मोशन से करते हैं। देखो, सर्कुलर मोशन के लिए कोई शीट तो नहीं मिली अभी आपको? उनको बोल देना। देखो, तो सर्कुलर मोशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलर मोशन, जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, तो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बेसिकली ये पूरा चैप्टर का नाम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको हम डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर की कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं जो आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स नॉर्मली क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन को पहले स्किप करते हैं और फोर्स फ्रिक्शन के साथ वर्क बाय एनर्जी करवाते हैं। देर में आपको बताता हूं कि इसमें क्या खास बात है सर्कुलर मोशन में और कैसे इस चैप्टर को आपने समझना और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, सबसे पहला मैंने बताया कि कुछ इंस्टीट्यूट स्पेशली इसको अभी नहीं करवाते, क्योंकि मुझे मालूम होता है कि बाकी इंस्टीट्यूट में क्या चलता है और यहाँ पर सराउंडिंग जो उनकी कॉपीज वगैरह भी, मतलब मैं कॉन्टेक्ट में रहता हूँ और मुझे पता होता है कि वो क्या कंटेंट करवाते हैं, क्योंकि मेरा काम है तो मैं देखता रहता हूँ कि कोई कैसे काम करता है। तो वर्क बाय एनर्जी वो लोग करवा रहे हैं, उसके बाद वो सर्कुलर एंड रोटेशनल इकट्ठा करवाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि जब रोटेशनल करना है तो सर्कुलर भी साथ ही इंटीग्रेट कर देते हैं, एक ही बात है। बट मैं एनसीईआरटी को फॉलो करता हूँ स्ट्रिक्टली, और एनसीईआरटी बहुत समझदार लोगों ने लिखी हुई है इस पूरे इस देश के, ऐसे नहीं है कि चलते फिरते बंदे ही लिखते, उनका प्रीफेस पढ़ो, बहुत ही होशियार लोग हैं, सब डॉक्टरेट है और सारे आईआईटी वीटी के इसरो के प्रोफेसर हैं। तो इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और थोड़ी सी मुश्किल भी बन गई उस चक्कर में, अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज उनकी थोड़ी रिसर्च ओरिएंटेड लैंग्वेज है, पढ़नी इतनी आसान नहीं लगती, रेफरेंस बुक ज़्यादा इजी लगती हैं। तो जो फैक्ट है वो मैं बताता जा रहा हूँ, तो इतनी आसान, क्योंकि लोगों को इंप्रेशन होता है कि एनसीईआरटी तो आसान होगी, बाकी रेफरेंस बुक्स मुश्किल होंगी। कितनी शीट्स हैं? देखो, तो मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ कहाँ पर है, ध्यान से आगे देखो प्लीज, आगे देखो। सर्कुलर मोशन, और मैंने बताया रोटेशन मोशन इकट्ठे करवाते हैं, पर हम एनसीईआरटी को फॉलो
करेंगे, उसका रीजन है क्योंकि सर्कुलर मोशन बना हुआ है फोर्सेस से, फोर्स, और हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, फोर्स। तो एनसीईआरटी इस पूरे चैप्टर का नाम लिखती है लॉज ऑफ मोशन, और लॉज ऑफ मोशन में फोर्स, फ्रिक्शन एंड सर्कुलर। ठीक, अब सर्कुलर मोशन अभी करने का एक और फायदा है, जो चैप्टर वर्क पर एनर्जी जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर भी सर्कुलर मोशन यूज होता है। तो जो इंस्टीट्यूट वाले हैं वो क्या करते हैं, मान लो 25% क्वेश्चन सर्कुलर के ऊपर बेस्ड है, वो 75% ही करवाते हैं और जो बचा हुआ 25% है वो अगले चैप्टर में करवाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सर्कुलर अभी करेंगे एज पर एनसीईआरटी, आपके स्कूल में भी आना है वैसे भी सितंबर में सर्कुलर, और फिर हम वर्क पर करेंगे, उसमें जो सर्कुलर यूज होगा वो एज इट इज समझ में आएगा, और रोटेशन में तो जो समझ में आना है वो तो आएगा ही आएगा। और एक और एडवांटेज रहता है अभी करवाने से, रोटेशनल मोशन इटसेल्फ बहुत ही बड़ा चैप्टर है, एक महीना लगता है उसमें, इसमें 12 दिन के आसपास लगते हैं, तो वो चैप्टर बड़ा लगना स्टार्ट हो जाता है एक महीना 12 दिन, अब आपको एक महीने का ही लगेगा, तो एक ब्रेक मिल जाएगी सर्कुलर से, तो उसमें एडवांटेज है ये। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोग कंपेरिजन करते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या चल रहा है, बुक्स में देखते हैं, तो ये बताना चाहता हूँ कि हमारा सीक्वेंस एक पर्टिकुलर एनसीईआरटी के साथ ही मैच करेगा, चाहे प्लस टू हो चाहे प्लस वन हो, तो उसको तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही है। क्या 12 डेज, 12-13 दिन का, मतलब 5 लेक्चर के आसपास में हो जाना चाहिए, 5 से कम में। ठीक, यही है जो मैं अभी शीट दी है मैंने, 12 पेजेस का ही चैप्टर है, ठीक, बड़ा नहीं है, 12 पेजेस में कम से कम 3 बुक्स फॉलोड है, जो मैंने आपको नोट्स दिया है, अभी मैं अभी शीट दूंगा, 47 नंबर शीट है, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्रिंट आउट लेंगे, वो 12 शीट्स की हैं, 12 × 2 = 24 है, वैसे तो आगे पीछे है, तो वो उसमें पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है, मैंने एनसीईआरटी पूरी सॉल्व की है, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स एंड इंक्लूडिंग एच सी वर्मा की बहुत बढ़िया बुक है, वो भी मैंने डाल दी, और एस एल ओडा की बुक भी डाल दी इसमें मैंने, मतलब 3 किताबों का मिक्सचर बना दिया मैंने। तो 47 अभी मिलेगी, 47 आपको। देखो अब एक चीज और ध्यान से सुन लो, जो लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि रोटेशनल मोशन का मतलब बॉडी का रोटेट करना, और हम क्या कर रहे हैं सर्कुलर मोशन, इसका मतलब बॉडी का रोटेट करना, तो फर्क क्या है सर्कुलर में और रोटेशनल में, फर्क क्या है, नाम का ही तो फर्क है, रोटेशन और सर्कुलर, क्या फर्क हो सकता है, एक्सिस तो रोटेशन में भी होता है, नहीं 2D है, ये देख सर्कल में पत्थर घूम रहा है और ये लो रोटेशनल में पत्थर घूम रहा है, एक्सिस में घूमता है। अच्छा एक एक चीज, चलो ओके, ये जो आप बता रहे हो कि एक्सिस पे कोई बॉडी घूमती है तो कहते हैं रोटेशनल है, और अगर सन के आसपास घूमती है तो सर्कुलर है, पॉइंट, हाँ ये असली पॉइंट है, जैसे पॉइंट पॉइंट बोला अभी, मैं बताता हूं ये पॉइंट क्या है। देखो ये पॉइंट का ये कॉन्सेप्ट है कि सपोज इस चैप्टर में सर्कुलर मोशन में अगर एक ऑब्जेक्ट है, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो कार है, चाहे साइकिल है, चाहे कुछ भी है, हम बोलते हैं देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और वो सर्कल में घूम रही है ऐसे, ठीक ठीक। अब कोई कहता है सर ये पंखा सर्कुलर मोशन में है, या ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, या टायर घूम रहा है ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, नहीं ऐसी नहीं करेंगे, तो फिर वो कहते हैं सर्कुलर में क्या करेंगे, जब आप बॉडी की शेप और साइज के ऊपर बात करते हो तो वो रोटेशनल मोशन आ जाता है, उसमें एक्सिस लेना पड़ता है, बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, एक्सिस यानी कि बॉडी का साइज और बॉडी की शेप पे भी आप क्वेश्चन करोगे, पर वो रोटेशनल मोशन का काम है। अभी बॉडी की शेप और साइज की कोई स्टूडेंट बात ना करे, बस बॉडी एम मास की है और वो सर्कल में घूम रही है, बात खत्म। अब चाहे वो प्लेन उड़ रहा है तो भी एम बनाएंगे, चाहे वो कार चल रही है राउंड अबाउट के बाद तो भी एम, चाहे वो इंसेक्ट घूम रहा है तो भी एम, तो ये मैटर नहीं कर रहा उसकी शेप क्या है और साइज क्या है। हम इन शॉर्ट ये मानेंगे कि हम पॉइंट मासेस को स्टडी कर रहे हैं, पॉइंट मासेस का मतलब जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे उसका मास पॉइंट की तरह एज्यूम करेंगे, कोई डाउट इसमें। रोटेशनल मोशन में हम ऐसी प्रॉब्लम करेंगे जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, जब अर्थ इतनी बड़ी एक्सिस पे घुमाओगे फिर पॉइंट कैसे लोगे, क्योंकि पॉइंट अपने एक्सिस पे घूमेगा तो निकालोगे क्या, वो तो पहले पॉइंट है, आप बॉडी का साइज कंसिडर
करोगे, पर इस चैप्टर में बॉडी का साइज कंसिडर नहीं करोगे। क्या स्टेप समझ में आया पहला? ठीक, बाकी धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन ये चैप्टर कहां से स्टार्ट है इसको एक बार देखते हैं। हमने अभी तक कौन सी मोशन स्टडी की? लीनियर मोशन। अभी तक हम क्या स्टडी कर रहे हैं बॉडी की? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। और अब हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का दूसरा नाम एंगुलर मोशन, एक ही बात है, सर्कल या एंगुलर, वन एंड दी सेम थिंग। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो लीनियर मोशन में हमने ये डिस्कस किया कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और बॉडी मूव कर रही है यहां से यहां तक, तो बॉडी ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली एक्स, तो इसका क्या नाम देंगे? दिस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसका सिंबल क्या है? एक्स, और यूनिट्स क्या है? मीटर। लेकिन सर्कुलर या एंगुलर मोशन में बॉडी सर्कल में घूमेगी, और बॉडी सपोज ए पॉइंट से कहां पर आ गई? बी पॉइंट पे, कवरिंग एन एंगल ऑफ व्हाट? थीटा। तो हम इसमें बोलेंगे कि बॉडी की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। तो मतलब जो काम इसमें एक्स करता है वो काम उसमें थीटा करता है, एंगल करता है। तो हम इसमें क्या मेजर करेंगे? एंगल कवर्ड बाय द बॉडी। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, आगे देखते हैं। अब मुझे ये समझ में आता है कि अगर बॉडी स्मॉल 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 डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी, सिंबल क्या होता है इसका? वी। लेकिन इसमें एंगल इकट्ठा तो कवर नहीं हुआ होगा, थीटा, डी थीटा, डी थीटा, डी थीटा, स्मॉल एंगल कवर हुए होंगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है? ओमेगा। तो जो काम उसमें वी करता है ये काम इसमें ओमेगा करेगा। और हमने ऐसा सुना हुआ है यूनिट्स एंड डायमेंशंस में किया हुआ है, तो वो इसीलिए किया था क्योंकि मुझे सर्कुलर मोशन जब स्टार्ट करना होता है मैं दो बार करवाना पसंद करता हूं ये चीजें, ताकि चीजें और पक्की हो जाए। ठीक, याद आ रहा है? तो अब इसके अंदर v लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी। अब क्योंकि एंगल के यूनिट्स क्या होते हैं? रेडियन। तो इसके यूनिट्स क्या होंगे? रेडियंस पर सेकेंड। इसमें मीटर पर सेकेंड, इसमें रेडियंस पर सेकेंड। कोई डाउट इसमें? तो हम ये बोलते हैं कि बॉडी dx डिस्टेंस कवर कर रही है dt टाइम में, इसमें d थीटा एंगल कवर कर रही है dt टाइम में, तो d थीटा इन dt, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मैं इसमें वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगी? लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। और उसी तरीके से अगर मैं इसमें d ओमेगा बाय dt करूं तो क्या आ जाएगा? अल्फा। अल्फा को क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज लीनियर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। कोई डाउट इसमें? अब इमेजिन करो कि ओमेगा कैसे, ओमेगा को कैसे सोचना है, जरा ध्यान से देखना। ओमेगा का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, तो मतलब एंगल कवर करती है बॉडी किसी टाइम में, डी थीटा एंगल कवर करती है डीटी टाइम में, डी थीटा कवर करती है डीटी टाइम में, डी थीटा डीटी टाइम में। अगर बॉडी इक्वल एंगल कवर करती है इक्वल टाइम में, डी थीटा डीटी 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 टाइम में, यानी कि ओमेगा की वैल्यू क्या रहेगी उसमें? कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी का मतलब कांस्टेंट ओमेगा हो जाएगा। कांस्टेंट ओमेगा को कैसे इमेजिन करेंगे? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ओमेगा इज अ कांस्टेंट। पर सोचो अगर बॉडी एक सेकेंड में 30 डिग्री एंगल कवर करती है, अगले एक सेकेंड में 60 डिग्री एंगल कवर करती है, अगले एक सेकेंड में 90 कवर करती है, अब ऑब्वियसली आप न्यूमिनेटर चेंज कर रहे हो, डिनोमिनेटर भी चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी?
चेंज कि एक सेकंड में पहले स्लो चल रही थी, अब वो बड़ा एंगल कवर कर रही है, अब वो और बड़ा एंगल कवर कर रही है, यानी कि हम क्या बोलेंगे, ओमेगा इज इंक्रीजिंग। तो देखने में ऐसी मोशन होगी, स्लो, फिर तेज, फिर तेज, फिर तेज, फिर तेज, इसका मतलब ओमेगा इज इंक्रीजिंग, क्योंकि बॉडी क्या कवर करती जा रही है, एंगल्स, और वो एंगल्स जल्दी जल्दी कवर करती जा रही है इन डी टी टाइम। कोई डाउट इसमें? उसमें जैसे उसमें हम बोलते हैं डी ऑफ एक्स कवर होता जा रहा है डी टी टाइम में, इसमें डी थीटा कवर हो रहा है डी टी टाइम में। कोई डाउट इसमें? इमेजिन कर पा रहे हो? तो जो काम उसमें वी करता है वो काम इसमें ओमेगा करेगा। ओमेगा का मतलब कि उसने एंगल थीटा कवर किया इन टाइम टी। क्लियर है यहां तक? ये तो बिल्कुल वैसे ही चल पड़ा जैसे काइनेमेटिक्स था। इसमें डी ओमेगा, ओमेगा के यूनिट्स मैंने अभी आपको बताए कितने, रेडियंस पर सेकेंड, को टाइम से डिवाइड करते हैं सेकेंड, तो अल्फा के यूनिट्स क्या आएंगे, रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? उसमें क्या होते हैं लीनियर में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें क्या होगा रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? अगर आपको याद हो हमने लीनियर मोशन में, ये सब शीट में लिखा हुआ है जो भी आएगी, तो इसलिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने लिखा हुआ है, जिनको शीट मिल गई है उनको पता है। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है आज का, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लीनियर मोशन में हमने ऐसे डिफाइन किया था टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन क्या थी? सबसे पहले क्या डिफाइन किया था, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक, और दूसरा क्या था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऐसे ही था। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगी, जीरो, राइट। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, तो देयर इज सम एक्सेलरेशन। और जब बॉडी यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है, एस इज इक्वल टू वी टी, और इसमें तीन इक्वेशन थी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू ए इंटू एस। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? ठीक। अब इसके अंदर टाइप ऑफ मोशन, जब कोई बॉडी सर्कल में कवर डिस्टेंस कवर करेगी, सर्कुलर मोशन में होगी, तो एस की जगह क्या लगाएंगे, थीटा। उसमें एस या एक्स होता है, इसमें क्या होता है, एंगल थीटा। अब मैं किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं इसे, सर्कुलर मोशन में, तो सर्कुलर मोशन में एंगल इज थीटा, वेलोसिटी इज ओमेगा, और टाइम इज टी। तो हम क्या बोलेंगे, टाइप ऑफ मोशन के अंदर दो टाइप की मोशन है, यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन, ठीक, एंड नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन। एंगुलर का मतलब सर्कुलर मोशन। तो या तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यानी कि ओमेगा कांस्टेंट होगा, और अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा तो इस इक्वेशन की जगह क्या लगेगा, एंगल कवर्ड थीटा इज ओमेगा टी। तो जब भी ओमेगा कांस्टेंट होगा तो कौन सी इक्वेशन लगानी है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो देखने में ये मोशन कैसे होगी, सेम सेम, सर्कुलर तो है ही है, सेम मतलब ऐसे नहीं होगी, ओमेगा इंक्रीज ऐसे होता है ना, इसमें कांस्टेंट, जैसे पंखा चल रहा है ये ना, कांस्टेंट स्पीड पे, एक ही स्पीड पे चलती जाएगी, क्योंकि ओमेगा इज कांस्टेंट। तो ओमेगा कांस्टेंट का मतलब एक चक्कर अगर 2 सेकंड का, तो दूसरा चक्कर भी 2 सेकंड का, तीसरा भी 2 सेकंड का, चौथा भी 2 सेकंड का, तो हर चक्कर एक जैसा चलेगा, ओमेगा इज सेम, राइट। पर अगर स्पीड बढ़ गई, पहले ओमेगा स्लो है, फिर तेज, फिर तेज, फिर तेज, फिर तेज, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो बॉडी में ए नहीं, क्या जनरेट हो जाएगा, अल्फा। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी, ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वेयर ओमेगा नॉट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। वही जो काम यू करता है वो ओमेगा नॉट करता है, जो काम इसमें वी करता है वो ओमेगा करता है। और अगर बॉडी घूमती हुई रेस्ट से स्टार्ट हुई तो ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, जीरो। और उसी तरीके से s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर में s की जगह थीटा, u की जगह ओमेगा नॉट t प्लस हाफ इनटू अल्फा इनटू t स्क्वायर। तो जो काम उसमें s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर करता है, तो कोई पूछ ही ले कि बॉडी घूमती घूमती कितना एंगल कवर करेगी, इतना एंगल कवर करेगी, राइट।
और उसी तरीके से आखिरी क्वेश्चन बोलो, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। तो ये तो बिल्कुल ही काइनेमेटिक्स पे आ गया, तो जो काम हमने काइनेमेटिक्स में किया था वही काम इसमें रिपीट हो जाएगा। तो चीजों को समझना इजी हो जाएगा क्योंकि हमने सफिशियंट टाइम लगाया काइनेमेटिक्स में, और वो इसीलिए लगाया था ताकि सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम्स हमें इजी लगे। अगर वो जल्दी करते तो फिर यहां टाइम लगाना पड़ता, तो उसमें टाइम लगाया, इसमें कम टाइम लगेगा, ऑटोमेटिकली एक ही बात है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और असली पॉइंट जो सर्कुलर मोशन जहां से अब स्टार्टिंग होती है, देखो। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में इंपॉर्टेंट है, देखो नेक्स्ट पॉइंट में बुक्स में ना डायग्राम ऐसा बना होगा सर्कुलर मोशन का, ठीक। कई लोग सोचते हैं कि किसी ने शायद कोई रस्सी ली, ये मास लिया और एक एक इसको इस तरीके से घुमाना शुरू कर दिया, ऐसे ही सोचता। और कभी कभी तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते भी मैं ऐसे ही सोचता हूँ कि ऐसा ही होता होगा, हर बंदा ऐसे सोच रहा है कि अगर ये बॉडी सर्कल में घूम रही है तो ऐसा ही घूमती होगी। तो घूम भी सकती है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। अब जायंट व्हील देखते ही हो, झूला लेते हो या कोई बाल्टी ले ले और रस्सी से पकड़ के जोर जोर के ऐसे घुमाएगा तो क्या प्रॉब्लम है, घूमती है बॉडीज। तो इस टाइप की मोशन को क्या बोलते हैं? वर्टिकल सर्कल। ये कौन सा है? वर्टिकल सर्कल, ठीक है। और एक सर्कल होता है बॉडी का, कौन सा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये रहा कि बॉडी कैसे घूम रही है, ऐसे इस प्लेन में घूम रही है। तो दो टाइप की प्रॉब्लम आएगी, या तो वर्टिकल प्लेन में आएगी या फिर हॉरिजॉन्टल में आएगी, राइट। हम अगले दो लेक्चर या हो सकता है एक लेक्चर, मुझे पता नहीं, जब तक हम पहुंचे नहीं, कम से कम एक लेक्चर तो कम से कम हम वर्टिकल सर्कल की बात नहीं करेंगे। वर्टिकल सर्कल में एक प्रॉब्लम है, वर्टिकल सर्कल में जाते जाते बॉडी वेलोसिटी कम 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 कम, फिर ज्यादा 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 और ज्यादा, क्योंकि ऊपर जाते हुए कम हो रही है, नीचे आते हुए बढ़ती जाती है। हम उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। हम किसको डिस्कस करेंगे? पहले हॉरिजॉन्टल। और हम ये मानेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो लिखा था अभी मैंने, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड विल रिमेन सेम, सेम स्पीड है, क्लियर यहां तक। कहने का मतलब कि अगर यहां पर मान लो ये बॉडी हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रही है और यहां पर इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, तो यहां पर भी 2 मीटर पर सेकेंड है, यहां पर भी 2 मीटर पर सेकेंड है और यहां पर भी 2 मीटर पर सेकेंड है। तो यूनिफॉर्म का मतलब यही हुआ कि स्पीड की वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, कोई डाउट इसमें? और अगर मैं वर्टिकल लूंगा तो ऑब्वियसली उसमें चेंज हो सकती है, जरूरी नहीं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट नॉर्मली अगेंस्ट ग्रेविटी कम ही होती है, ठीक है यहां तक। तो हम दो फेज में करेंगे इस चैप्टर को, पहले हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल। वर्टिकल अभी इसलिए नहीं करेंगे, उसका रीजन भी दे देता हूं, क्योंकि वर्टिकल करने के लिए आपको एनर्जी कंजर्वेशन सीखना पड़ता है। तो वर्टिकल मोशन में एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब पोटेंशियल, काइनेटिक इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक, तो एनर्जी साथ चलती है। और मैं चीजों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं पहले आपको हॉरिजॉन्टल सिखाऊंगा, फिर वर्टिकल से पहले एनर्जी कंजर्वेशन सिखाऊंगा, फिर वर्टिकल में लगा के दिखाऊंगा। लेकिन कई बुक्स या कोई भी जब आप किताब उठाओगे उसमें डायग्राम हॉरिजॉन्टल सर्कल का, इंपॉर्टेंट है प्लीज, इसका डायग्राम ऐसे नहीं होगा, इसका डायग्राम ऐसा होगा। वो कहेगा ये भी हॉरिजॉन्टल सर्कल है, आपको कहेगा ये हॉरिजॉन्टल कैसे है, तो वर्टिकल है। तो वो क्या करता है, वो ये कहता है कि इमेजिन करो बॉडी ऐसे घूम रही थी, ऐसे घूम रही है, आपने उसकी फोटो क्लिक की, फोटो आ गई, ये आपने इसको पेस्ट कर दिया, टॉप व्यू है, टॉप से देख रहे हो, टेबल के टॉप से देख रहे हो, बॉडी आपको ऐसी नजर। अब मैं आपको बोर्ड नीचे जमीन पे रख के तो पूरी क्लास को दिखा नहीं सकता ना, देखो बॉडी ऐसे हॉरिजॉन्टल है, बोर्ड तो वर्टिकल ही रहेगा, तो एक्चुअल में बॉडी हॉरिजॉन्टल ही है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो यहां कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा सर्कल है, हॉरिजॉन्टल है। आपको तो बड़ी कंफ्यूजन है कि जब वर्टिकल करवाओगे तो भी तो डायग्राम सेम ही बनाओगे,
और हॉरिजॉन्टल में भी सेम बनाओगे, तो मुझे कैसे पता लगेगा? क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखी होगी, उसमें लिखा होगा कि बॉडी इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल सर्कल। और ये इतनी बड़ी कंफ्यूजन है, इतनी बड़ी कंफ्यूजन है कि बंदे नॉन मेडिकल मेडिकल करके बाहर निकल जाते हैं, उनको सारी उम्र ये नहीं पता लगता कि सर्कल कौन सा बना था, कि क्यों लगाते थे, कि जब एक जब किसी क्वेश्चन में तो फिजिक्स के टीचर आते हैं, वो कहते हैं देखो वेट एमजी, उसमें बोलते नहीं वेट एमजी, चक्कर क्या है? क्योंकि अगर तो वर्टिकल जा रहा है फिर तो वेट ले कि भार उसका नीचे लेके आ रहा है, या जब भूमि हॉरिजॉन्टल रहा है फिर क्या, फिर तो ऊपर जा ही रहा अगेंस्ट ग्रेविटी, तो अगेंस्ट ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट तो इसमें लगेंगे ही नहीं, एक ही प्लेन में घूमता जा रहा है। क्लियर है यहां तक? या उनको ये नहीं समझ में आता कि यहाँ स्पीड क्यों चेंज हो रही है और हॉरिजॉन्टल में स्पीड क्यों नहीं चेंज हो रही? भाई अगर अगेंस्ट ग्रेविटी जाओगे फिर तो स्पीड चेंज होगी। तो आपको ना क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि सर्कल हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, और चिंता नहीं करो क्वेश्चन पूछने वाला आपको बताता है कि हॉरिजॉन्टल लेना है या वर्टिकल लेना है, तो ऐसा नहीं पूछता, तो आपको वो बताएगा कि इसकी वैल्यू आपको कैसे कंसिडर करनी है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। हम कौन सा सर्कल अभी डिस्कस करने जा रहे हैं? हॉरिजॉन्टल। अब मैं जितने डायग्राम बनाऊंगा वो सब हॉरिजॉन्टल। ठीक, तो इस बात को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा अभी कि सपोज आपकी बॉडी हॉरिजॉन्टल सर्कल में है और इसका टॉप व्यू है, इसकी स्पीड यहां पर 2 मीटर पर सेकेंड है, इसकी स्पीड यहां पर 2 मीटर पर सेकेंड है, इसकी स्पीड यहां पर 2 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी स्पीड यहां पर 2 मीटर पर सेकेंड है। कोई बोलने लगा सर स्पीड चेंज नहीं हो सकती हॉरिजॉन्टल में? हो सकती है यार, पर चैप्टर का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो हम पहले फेज में हॉरिजॉन्टल सर्कल करेंगे, हम स्पीड को चेंज नहीं करवाएंगे। फिर कुछ दिनों के बाद जब आप प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, फिर हम स्पीड को भी चेंज करवाएंगे, पर कम से कम अभी कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आएगा जिसमें स्पीड चेंज होगी। क्लियर यहां तक? तो घूमते हुए स्पीड की वैल्यू विल रिमेन सेम, इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म वर्ड क्या शो कर रहा है? कि स्पीड की वैल्यू विल रिमेन सेम। कोई डाउट इसमें? इस चैप्टर में छोटी बातें ज्यादा सुनने वाली है, बड़ी बड़ी बातों का क्या है, वो तो हो ही जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं, डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं, छोटी बात परेशान करती है बारीकियां। तो आज का लेक्चर सिर्फ इसी के ऊपर है, चैप्टर तो स्टार्ट ही नहीं होना आज, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है तो नेक्स्ट टाइम सही है। आज सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी, इस चैप्टर को देखने का नजरिया क्या रहेगा आपका। बहुत चीजें कई लोग नहीं करते इतना डिस्कस, कई लोग सीधा ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, बट मुझे ऐसा फील होता है कि जब तक ये छोटी छोटी बातें अगर क्लियर नहीं होंगी ना, तो क्वेश्चन में जब लिखा होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म, तो चीजें समझ में नहीं आती वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। चलो देखो इसमें आगे देखते हैं, तो एक तो ये बात समझ में आ गई, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर में इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड कांस्टेंट है या नहीं है, यस कि नो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहेगी? यस, यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगी। दूसरा क्वेश्चन आता है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यस कि नो? नो नो, क्यों? दो दो में सेम तो है डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर, और वेक्टर में दो चीजें देखी जाती हैं, वैल्यू एंड, वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो आप नहीं बोल रहे हैं कि वेलोसिटी वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट।
ठीक, यहां तक क्लियर है पहला पॉइंट, ठीक यहां तक। अब दूसरा पॉइंट, इसी के अंदर देखो, दूसरे पॉइंट में सपोज करो, अब ध्यान से देखना, आपने एक बॉडी सर्कल में घूम रही है, ठीक, और लेट अस सपोज कि मैंने किसी भी इंस्टेंट पे ये देखा कि इसका जो किसी भी इंस्टेंट पर ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है v1 वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर इज v1 वेक्टर, ठीक। तो ठीक है, डायरेक्शन नीचे की तरफ थी और वैल्यू v1 थी, मैग्नीट्यूड में तो कुछ भी हो सकता है, 2 मीटर पर सेकंड कुछ भी इमेजिन कर लेना। अगले इंस्टेंट पर ये वेलोसिटी वेक्टर अपनी डायरेक्शन क्या कर गई, चेंज कर गई, और कितनी हो गई, v2 वेक्टर। अब किसी ने कहा कि सर ये क्या चक्कर है, स्पीड तो सेम है, तो आप v1 v2 क्यों लिख रहे हो, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। तो किसी ने कहा सर अगर v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे या v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे, बोलो ये इक्वल आएगा कि डिफरेंट, इक्वल, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज सेम, पर फिर भी मुझे उसको v1 वेक्टर v2 वेक्टर लिखना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, राइट। हाँ, इनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, ये स्टेप क्लियर है। तो डायरेक्शन हर इंस्टेंट पर क्या हो रही है, चेंज। तो मैंने ये डायग्राम बना दिया। तो फिर एक स्टूडेंट कहता है कि सर एक काम करते हैं, इसके अंदर ना ये एक वेक्टर ड्रॉ करो, जैसे थोड़ा सा एंड में बड़ा डायग्राम बनाऊंगा 2 मिनट बाद, यहां तक 2 वेक्टर दिख रहे हैं, एक वेक्टर में ड्रॉ कर रहा हूं ये वाला, ये देखो एरो, एरो दिख रहा है। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना रहा हूं प्लीज अलग से, ये मैंने ड्रॉ किया था, चेक करो v1 वेक्टर, ठीक, यहां बना रहा हूं मैं साइड पे, ये क्या था लेट अस सपोज v2 वेक्टर, ठीक, बड़ा बना रहा हूं, और ये क्या था सपोज x वेक्टर, ठीक है, वेक्टर का नाम तो पता नहीं, तो मैंने क्या एज्यूम कर लिया, x वेक्टर, इमेजिन कर लो, ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें, ठीक, ये जो दिख रहा है यहां पर, ठीक है पीछे। अब उसने कहा सर ट्राइंगल लॉ लगेगा, और ये एक्स वेक्टर है क्या ये तो बताओ, तो एक्स वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए ट्राइंगल लॉ लगाएं, ट्राइंगल लॉ में बताओ कौन रिजल्टेंट है, v1 x की v2, v2 क्यों, क्योंकि क्लोजिंग, ये देखो ये वेक्टर यहां ये यहां, तो ये क्लोज कर रहा है इसे, तो बोलो वेक्टर लॉ क्या लगेगा, v2 वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस x वेक्टर, तो बोलो x वेक्टर क्या आएगा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, और ये क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, और चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर इज डेल्टा v वेक्टर, कोई डाउट इसमें, ठीक है, हम वेक्टर में चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिखते थे, डेल्टा v वेक्टर। तो मैंने उस स्टूडेंट को कहा कि तेरे को ना x लेने की जरूरत नहीं है, तो इसकी जगह क्या एज्यूम कर ले, डेल्टा v वेक्टर, एक ही बात है। उसने कहा ठीक है, डेल्टा v वेक्टर, x वेक्टर की जगह क्या लिख लेते हैं, डेल्टा v वेक्टर, कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया यहां तक, ठीक, क्लियर, ठीक। डेल्टा v, किसी ने कहा सर फिर यहां ये डायग्राम बना के दिखाओ, मैंने कहा ये ले, इमेजिन कर ले ये v1 वेक्टर, इमेजिन कर ले, ऐसी इमेजिन कर ले ये v2 वेक्टर, तो कहता कि ये क्या होगा, मैंने कहा डेल्टा v वेक्टर, इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का ये डेल्टा v वेक्टर, जैसे वो बना ऐसे ये बन जाएगा, राइट। तो उसने कहा कि सर ये ड्रॉ क्यों कर रहे हो, क्या बताने की कोशिश कर रहे हो इससे, तो मैंने कहा ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तू जहां मर्जी ये डायरेक्शन बना लेना, ये 3 वेक्टर ट्राइंगल जहां मर्जी बना ले, हर जगह बन जाएंगे ये, तो जब भी डेल्टा v को देखेगा ना, डेल्टा वी उसकी डायरेक्शन, डेल्टा v की जो डायरेक्शन है वो हमेशा हमेशा तेरे को कहां दिखेगी, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, जहां मर्जी ड्रॉ कर लियो डेल्टा v वेक्टर, जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आएगा उसकी जो डायरेक्शन है, वैल्यू तो जो होगी होगी, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा कहां आएगी, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। रूल याद कर लिया यहां पर, डेल्टा v वेक्टर की डायरेक्शन कहां आएगी, टूवर्ड्स सेंटर, जब मर्जी ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना कि अगर किसी ने डायरेक्शन हल्की सी भी चेंज की तो उसमें चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स सेंटर,
राइट, मैं लिख देता हूं, तो जो डेल्टा वी वेक्टर आएगा वो कहां होगा, टुवर्ड्स, वैल्यू तो बाद में देखेंगे, टुवर्ड्स सेंटर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, पहला रूल क्लियर है। तो अब उसने कहा कि फिर ठीक है, मतलब इससे क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? मैंने कहा देख, इससे मैं वही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं जो मैंने वेक्टर में बोली थी, और मैंने जब वेक्टर में वो बात बोली थी तो मैंने ये भी बोला था उस क्वेश्चन के बाद कि मैं सेम क्वेश्चन को सर्कुलर में डिस्कस करूंगा, चाहे तो रिकॉर्डिंग में चेक करके आपको क्लिप दिखा सकता हूं। और वो क्वेश्चन था वेक्टर का, ध्यान से देखो, कि अगर कोई बॉडी टुवर्ड्स ईस्ट जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, और थोड़ी देर बाद इन टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है टुवर्ड्स नॉर्थ, और क्वेश्चन था वेक्टर की, मेरी हैंड रिटन शीट में चेक कर लो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। कितने लोगों को याद है ऐसा कुछ किया तो था? मुश्किल है, ये भी याद करना बहुत मुश्किल है, तब कर लो। तो अगर बॉडी अपने सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर रही है, शीट लो ये वाली, आज वाली शीट, यहां से पूरी लाइन ही है, नहीं मिली ना किसी को आज वाली शीट, ये जो चैप्टर की स्पीड है ये बिल्कुल कैलकुलस के साथ मैच करती है, जब कैलकुलस हुआ था आराम आराम से, सर्कुलर भी आराम आराम से स्टार्टिंग है ना, लेकिन एक बार जब बेस बन जाएगा बहुत आराम से समझ में आएगा, बस ये 2-4 चीजें समझनी है आपने। ठीक, तो मैंने अभी एग्जांपल दे रहा था कि वेक्टर में एक प्रॉब्लम किया करते थे कि अगर कोई बॉडी ईस्ट की तरफ जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, और ठीक 1 सेकेंड के बाद उसने अपने डायरेक्शन चेंज कर ली, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं किया, 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो बताओ एक्सेलरेशन क्या है। तो इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका होता था, मैं बोलता था कि चलो आप इसको डेल्टा वी वेक्टर ले लो, याद है ट्राइंगल लॉ, कैसे, किसने पूछा कैसे, तो मैंने कहा चलो ये V1 वेक्टर है, ये V2 वेक्टर है, आप चेक कर लो इस ट्राइंगल में ये रिजल्टेंट है V1 वेक्टर, कैसे, सॉरी V2 वेक्टर, कैसे, ये V1 वेक्टर है, ये कॉन्टिन्यूस साइड और ये क्लोजिंग साइड है, आप चेक कर लो V2 वेक्टर इज डेल्टा V वेक्टर प्लस V1 वेक्टर, और चेक करो डेल्टा V वेक्टर इज इक्वल टू V2 वेक्टर माइनस V1, आपके सामने ही है डेल्टा V वेक्टर इज V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर। तो चलो हमने वेक्टर तो नहीं करना, सिर्फ ये बता सकते हो इसकी साइड की वैल्यू क्या होगी, अगर ये 2 है, अगर ये 2 है तो पाइथागोरस से क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2√2। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया, 2√2, कोई डाउट इसमें? और मैंने उस टाइम वेक्टर में भी बताया था कि इस केस में बॉडी ने सिर्फ अपनी डायरेक्शन को चेंज की है, अपनी गाड़ी की स्पीड को चेंज नहीं किया, फिर भी इसमें चेंज इन वेलोसिटी आ रही है, और ये चेंज इन वेलोसिटी क्यों आई, क्योंकि बॉडी ने सिर्फ अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। और अगर मैं पूछूं एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है, तो इसको टाइम से डिवाइड करेंगे, 2√2, टाइम क्वेश्चन में 1 गिवन है आंसर। तो मैंने आपको वेक्टर में बताया था कि देखो इस कार ने अपनी स्पीड को चेंज नहीं किया, सिर्फ डायरेक्शन चेंज की, और फिर भी इसमें क्या जनरेट हो गई, एक्सेलरेशन।
तो इसका मतलब अगर कोई कार सिर्फ अपनी डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज करती है तो भी इट कैन गिव राइज टू एक्सलरेशन। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि अगर कोई बॉडी अपनी सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी को, स्पीड को चेंज नहीं करती, तो भी उसमें एक्सलरेशन कैन बी जनरेटेड। क्लियर है यहां तक? ये वेक्टर में किया था और सिर्फ याद दिलाया है, अभी इसकी जरूरत नहीं है मुझे। मैं सेम कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने आपको सिखाया वो इसमें लगाता हूं। चेक करो, इसके अंदर बॉडी ने अपने डायरेक्शन को क्या किया? चेंज। क्योंकि v1 वेक्टर, v2 वेक्टर में वैल्यू चेंज नहीं की, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई, और इसीलिए क्या जनरेट हो गया? डेल्टा v वेक्टर। और डेल्टा v वेक्टर कहां जनरेट हुआ? टुवर्ड्स सेंटर। तो इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन भी होगी। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? डेल्टा v बाय डेल्टा t। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? डेल्टा v का मॉड अपॉन डेल्टा t। को डाउट इसमें? ये एक्सेलरेशन होगी। ठीक है यहां तक? इट मींस कि बॉडी सिर्फ सरफेस घूमते हुए अपनी सिर्फ डायरेक्शन कोई चेंज कर रही है, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं कर रही, फिर भी उसमें क्या जनरेट हो रही है? एक्सेलरेशन। क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने से डेल्टा वी जनरेट हुआ, डेल्टा वी को टाइम से डिवाइड करके ए जनरेट हुआ। तो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां होगी बताओ? अच्छा बताओ, ये डेल्टा वी की डायरेक्शन कहां है? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक्सेलरेशन भी कहां होगी? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर की तरफ लगती है उसका नाम क्या होता है? सेंट्रिपिटल एक्सेल, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। फ्लो में नहीं बोलना है, ऐसे केमिस्ट्री में करते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक, उस फ्लो में बोला जाता है, हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो जो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर एड करती है उसका नाम क्या है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? डाउट इसमें? तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर एक्ट करती है, ये याद रखना। और क्यों एक्ट करती है? क्योंकि देयर इज सम चेंज इन डायरेक्शन, नॉट वैल्यू। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट होने का रीजन चेंज इन स्पीड नहीं है, ये नहीं है कि स्पीड चेंज हो गई, चेंज इन डायरेक्शन। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जनरेट करने के लिए? चेंज इन डायरेक्शन, भूला नहीं। कौन रिस्पॉन्सिबल है? वैल्यू नहीं भी चेंज होती कोई बात नहीं, 2 मीटर पर सेकेंड से के साथ अगर स्टोन घूमता जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी एक्सेलरेशन जनरेट होगी। कोई डाउट इसमें? और मैंने आंसर और प्रूफ दिया है कि ये एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर क्यों एड करती है, ये ट्राइंगल लॉ से आप इसको डिस्कस कर सकते हो। तो पहला स्टेप क्लियर है? ठीक है यहां तक? डाउट क्वेश्चन यहां तक? ठीक, ये लॉजिक समझ में आता है। दूसरी बात, अब सपोज करो कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन समझ में आती है, टुवर्ड सेंटर है, सही है। कोई कहता है कि इसको अब ऐसे इमेजिन करते हैं, ये तो बात समझ में आ गई। इमेजिन करो कि आप एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहे हो, फिर से एक बार अब अलग चीज समझते हैं, ठीक है? तो वो स्टूडेंट बोलता, देखो सर मैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाऊंगा, देखो ये मैं यहां से यहां चला गया, कवरिंग अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। तो मैंने कहा ये डेल्टा आर मतलब कैसे? वो कहता देखो अगर मैं इस सर्कल का एक बहुत ही छोटा हिस्सा लूं तो मुझे वो गोल नहीं दिखेगा, मुझे वो स्ट्रेट दिखेगा। कितने लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में आ गई कि डेल्टा आर स्ट्रेट दिखेगा? और कितने लोग सोचते हैं तो गोल है, गोल ही दिखना चाहिए, ऐसे गोल। देखो इस बात को ऐसे समझते हैं, बड़े ध्यान से समझना। सपोज करो मेरे को किसी ने कहा इस पूरे पंचकुला का सर्कल में पैदल चलना है, पूरे पंचकुला की बाउंड्री पे सर्कल बनाना है। मैंने कहा सेंटर का क्या ले? उसने कहा ये राउंड अबाउट ले लो, 11-15 वाला, सामने वाला। मैं ठीक है, तो मैं चलना स्टार्ट करता हूं। देखो मैं चल रहा हूं अभी, अगर इमेजिन करो मैं चला और किसी ने कहा सर सर्कल में चलो यार, आपको गोल घूमना है, तो लो मैं सर्कल में चला, गोल घूम गया, तो ये क्या हो गया? तो मैं यही घूमता रहूंगा,
ऑब्वियसली अगर मैं अभी अभी इमेजिन करो ना, मैं चला और मैं क्योंकि सर्कल में घूमना है ना, तो मैंने रट्टा मार रखा था सर्कल में घूमना है, सर्कल में घूमना है, तो बस मैं देखो मैं सर्कल में घूमता जा रहा हूँ। यार राउंड वोर्ड तो छोड़ो, मैं तो इस बेंच का सर्कल नहीं काट पाऊंगा कि मैं तो सर्कल में घूमता जा रहा हूँ। तो आप कहोगे सर कुछ तो आगे चलो तभी इतना बड़ा चक्कर काटोगे। अब इतने बड़े पंचकूले के चक्कर के लिए तो मेरे को कुछ देर सीधा चलना पड़ेगा। कुछ देर सीधा चलने के बाद फिर मैं थोड़ा सा मुड़ूंगा, फिर सीधा चलूंगा, फिर मुड़ूंगा। तो कहने का मतलब है कि पहले मैं सीधा चलूंगा, फिर हल्का सा मुड़ूंगा, फिर सीधा चलूंगा, फिर हल्का सा मुड़ूंगा, फिर सीधा चलूंगा। तो इतना बड़े चक्कर में तो कुछ देर मुझे सीधा ही चलना पड़ेगा। और अगर कोई कहता है कि पंचकुला का नहीं ट्राई सिटी का चक्कर, तो फिर मुझे काफी देर सीधा चल के फिर मुड़ मुड़ना पड़ेगा। कोई कहता है कि मान लो पूरे नॉर्थ इंडिया का चक्कर काट दो जी सर्कल में। अब देखो अब मेरे को कई किलोमीटर सीधा चलना पड़ेगा फिर मैं मुड़ू। तो इमेजिन कर पा रहे हो कि अगर ये सर्कल का एक बहुत ही छोटा हिस्सा होगा तो आप उसको स्ट्रेट ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये आपको हिस्सा दिख रहा है लेकिन प्रैक्टिकली डेल्टा आर या डी आर इज वेरी 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 स्मॉल, स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट अगर ली जाएगी तो वो पॉइंट आएगी वो स्ट्रेट ही मानी जाएगी, वो सर्कल नहीं माना जाएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। अब नेक्स्ट डेल्टा आर मैंने ले लिया यहां पे, तो वो स्टूडेंट कहता है सर सर्कुलर मोशन पढ़ा क्यों रहे हो बच्चों को, मैं तो सीधा चल रहा हूं। अब ऐसे पढ़ाओ ना, कुछ देर सीधा चला, काइनेमेटिक्स लगा दो अपना लीनियर मोशन वाला, फिर कह देना कि यहां पे अलग काइनेमेटिक्स है। तो मैंने कहा यार तू कितने इंटरवल लेगा, वो कहता इनफाइनाइट। तो मैंने कहा आप लोगों को मैं इनफाइनाइट इंटरवल में काइनेमेटिक्स सिखाऊंगा, v u + at v u + at v u + at, तो पता नहीं कितने टुकड़े लेता जाएगा, तो जिंदगी निकल जाएगी काइनेमेटिक्स में, पर ये सर्कल पूरा नहीं होगा ऐसे। पॉइंट समझ में आ रहा है आता? फिर उसने कहा देखो मैं तो सीधा चल रहा था। तो मैंने कहा देख सीधा तो चल रहा था, मैं तेरी ऑब्जर्वेशन ना सेंटर उस राउंड अबाउट पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा था, तू कर रहा है। उसने कहा कैसे? मैंने कहा देख जब तू यहां पर था, यहां पर थोड़ी देर में तो यहां पर आ गया, ठीक है, तो अपने हिसाब से सीधा चलता है, ठीक है, उसको तो लगता है फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो सीधा चलता हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसने साथ के साथ सेंटर पे एंगल भी कवर किया डेल्टा थीटा, ठीक है ना। अगर वो यहां से यहां आ जाता है सर्कल पे एंगल भी तो कवर कर रहा है डेल्टा थीटा, चाहे वो एंगल बहुत ज्यादा छोटा होगा पर जीरो तो नहीं होगा। और अगर वो चलता ही नहीं स्टूडेंट, डेल्टा आर क्या हो जाएगा जीरो, तो डेल्टा थीटा भी क्या हो जाएगा जीरो, वहीं खड़े है, तो लाइन के साथ एंगल एक ही लाइन बनेगी बस। कोई डाउट इसमें? तो उस स्टूडेंट को ये समझाना पड़ा कि जब तू सर्कल में चलता है ना, अब तेरा देखने का नजरिया है कि तू अपनी प्रॉब्लम को काइनेमेटिक्स से लेते हैं लीनियर या रोटेशनल से। तो जो लोग तो लीनियर मोशन देखते हैं वो बोलते हैं कि बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर की डेल्टा आर, जो लोग एंगुलर को देखते हैं वो लोग बोलते हैं कि बॉडी ने साइमल्टेनियसली एंगल कवर कितना किया डेल्टा थीटा। तो यानी कि डेल्टा आर के साथ डेल्टा थीटा ऑटोमेटिकली कवर होगा। कोई डाउट इसमें? समझ आ रहा है यहां तक? तो वो स्टूडेंट कहता कि सर अब ये तो मुझे समझ में आ गया कि डेल्टा आर है तो डेल्टा थीटा भी है, तो क्यों ना ऐसा करें इसको ना डेल्टा टी से क्या कर ले डिवाइड। मैंने कहा वो क्यों? कहता देखो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर, और डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी क्या होता है ओमेगा। इसका मतलब ये भी कहना सही होगा कि अगर कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो आप उसकी मोशन को दो तरीके से स्टडी करते हो, लीनियर एज वेल एज एंगुलर, दो इकट्ठी दिख रही है। और क्योंकि दो डिस्प्लेसमेंट्स हैं लीनियर भी है एंगुलर भी है, टाइम से डिवाइड करेंगे तो दो वेलोसिटीज भी हैं, लीनियर भी है और ओमेगा भी है, यानी कि ये बॉडी वी भी कवर कर रही है और साथ में ये बॉडी ओमेगा भी कवर कर रही है। जो लोग सेंटर को रेफरेंस मानते हैं वो ओमेगा से करेंगे, जो इसको जर्नी को स्ट्रेट लाइन मानते हैं वो वी के साथ करेंगे। तो मैंने उससे पूछा चल ठीक है वी वेक्टर मान गया, तो बता यार वी वेक्टर की डायरेक्शन कहां है? तो उसने बोला डायरेक्शन में है ही प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा क्या? कहता देखो वी वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो डेल्टा आर की डायरेक्शन होगी, ठीक है, v वेक्टर इज डेल्टा r बाय डेल्टा t। तो मैंने कहा डेल्टा r कहां है? कहता ये रहा। तो मैंने कहा v वेक्टर कहां है? कहता इसी के साथ। मैंने कहा ये ले वेक्टर, ये रहा v वेक्टर, थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए बना दिया, तो इसी के लॉन्ग क्या होगा v वेक्टर। तो मैंने कहा अगर मैं डेल्टा r ये लेता हूं, स्मॉल डेल्टा r ये लेता हूं, तो कहता कोई दिक्कत नहीं ये रहा v वेक्टर। फिर मैंने कहा अच्छा अब मुझे समझ में आया कि जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है ना
तो बुक्स वाले क्यों ऐसा बनाते हैं कि वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल। ऐसे मैंने आज फर्स्ट बनाया था, ऐसे आपने नोट किया जब बॉडी सर्कल में घूमती है और किसी भी पॉइंट पर जब वेलोसिटी शो करनी होती है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक छोटा सा टेंजेंट। वो क्यों करते हैं समझ में आ रहा है, क्योंकि वो तो पॉइंट है, पॉइंट को बड़ा माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये दिखेगा। अब ये एक वेक्टर है, वेक्टर अगर ऊपर है तो वेलोसिटी वेक्टर भी इसी के साथ है। अब ये बहुत छोटा हो जाएगा तो आपको एक टेंजेंट दिखेगा, बस। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मैंने दूसरी चीज का आंसर दे दिया कि वेलोसिटी वी वेक्टर हमेशा सर्कुलर मोशन के साथ टेंजेंशियल क्यों दिखता है, क्योंकि जो बंदा सर्कल में घूम रहा है उसको ऐसी फील आता है, उसको ऐसी फीलिंग आएगी कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, लीनियर मोशन। तो लीनियर वेलोसिटी हमेशा क्या ड्रॉ करेगा, वो टेंजेंशियल। पॉइंट समझ में आ गया? तो पहला वाला कॉन्सेप्ट बंद हो गया, उसने ये समझाया था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा कहां करती है, टुवर्ड्स सेंटर। ये कॉन्सेप्ट ये समझाता है कि वेलोसिटी वेक्टर जो बनेगा हमेशा टेंजेंशियल। दो चीजें समझ में आ गई, अलग अलग चीजें हैं, ठीक, कोई डाउट इसमें? और ऐसा नहीं कि ये चीज आपको स्कूल में पूछेगा ये कैसा होगा टेंजेंशियल, कुछ नहीं, पर जब आप पढ़ेंगे ये चैप्टर, चैप्टर क्लियर दिखेगा इन छोटी छोटी बातों से। ये भी क्लियर है? तो अब किसी ने ये पूछ लिया कि सर ठीक है, अब आप ये बोल रहे हो कि बॉडी डेल्टा आर भी कवर करती है, डेल्टा थीटा भी कवर करती है। मैंने कहा यस। उसने कहा इसका मतलब वी भी होता है, ओमेगा भी होता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। तो कहता फिर रिलेशन क्या होता है वी और ओमेगा का, कुछ तो होता ही होगा वी का ओमेगा का, कुछ रिलेशन तो बताओ, और साथ में ये भी रिलेशन बताओ डेल्टा थीटा और डेल्टा आर का क्या रिलेशन है। कुछ तो रिलेशन होता ही होगा कि मैंने डेल्टा आर कवर किया, कोई कहता है आपने डेल्टा थीटा कवर किया, इनका क्या रिलेशन है ये बताओ, और फिर वी और ओमेगा का भी रिलेशन बताओ। ठीक है, आता तो मैं इनका रिलेशन निकाल लूं, क्योंकि दो मोशन साइमल्टेनियसली चल रही है सर्कुलर मोशन में, हल्की सी स्ट्रेट मोशन भी और साथ में एंगुलर मोशन भी है। तो देखो बहुत आसान है, सबसे पहले मैं आपको रिलेशन निकालना दिखा रहा हूं, किसका, डेल्टा आर का रिलेशन, डेल्टा आर का एंड डेल्टा थीटा का, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। बहुत आसान है, एक लाइन का काम है। आप इस सेक्टर को देखें प्लीज, ये सेक्टर है, इसका रेडियस बोल लो कितना है आर, वो तो आर ही रहेगा सर्कुलर मोशन में। तो आपने एक रिजल्ट किया हुआ है, एंगल इज आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। एंगल कितना है, डेल्टा थीटा। आर्क का मतलब ये डिस्टेंस, आर्क वेक्टर नहीं है, आर्क इसमें मुझे ये बताओ मैग्नीट्यूड कितना है आर्क का, तो आप क्या बोलेंगे, डेल्टा आर का लेंथ। डेल्टा आर की लेंथ का मतलब डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड, तो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय रेडियस, क्या चल रहा है इसका, कैपिटल आर। तो रिलेशन आ गया डेल्टा आर, आर्क इज आर इंटू डेल्टा थीटा, राइट। क्या रिजल्ट क्लियर है? तो एंगल इज आर्क बाय रेडियस रिलेशन आ गया। तो वो स्टूडेंट बोलता है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेल्टा थीटा ज्यादा होगा तो डेल्टा आर भी ज्यादा होगा। बिल्कुल सही, जितना बड़ा डेल्टा आर बनाओगे डेल्टा थीटा, उतना ही एंगल भी ज्यादा कवर हो जाएगा। तो रिलेशन समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मुझे रिलेशन निकालना है, ये तो चलो रिलेशन आई गया, अब मुझे रिलेशन निकालना है किसका, मुझे रिलेशन निकालना है v का एंड ओमेगा का। v का मैग्नीट्यूड लेते हैं, वेक्टर बाद में डिस्कस कर लेंगे, v का और ओमेगा का करें स्टार्ट। ठीक है यहां तक? तो अगर आपको v का और ओमेगा दोनों का रिलेशन निकालना है तो आपको एक काम करना है, इसमें अपनी शीट्स का ये साथ में रेफर भी करते जाना, फर्स्ट टॉपिक चल रहा है। तो ओमेगा और v का रिलेशन निकालने के लिए विल स्टार्ट विद ओमेगा। जैसे ओमेगा की वैल्यू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी है, कोई डाउट इसमें? जो ओमेगा है दैट कैन बी रिटन एज व्हाट, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इनटू डेल्टा टी। ठीक, चेक करते जाओ, पहली लाइन यही है, और ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा थीटा की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ये देखो डेल्टा थीटा की वैल्यू, नेक्स्ट स्टेप चेक करो, यही गिवन है, ओमेगा इनटू डेल्टा टी। कोई डाउट इसमें? लिख सकते हैं इसमें?
अच्छा, अभी अभी डिस्कस किया हमने कि इसमें जो एंगल है दैट इज आर्क बाय रेडियस, तो ये देखो डेल्टा थीटा किसके इक्वल था, डेल्टा आर का मॉड डिवाइडेड बाय रेडियस, अभी किया था एंगल इज आर्क बाय रेडियस। तो यहां से डेल्टा थीटा की जगह मैं पुट करता हूं, डेल्टा थीटा की जगह क्या, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस की वैल्यू कितनी ली मैंने, कैपिटल आर इज इक्वल टू ओमेगा इनटू कितना, डेल्टा टी। अब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, डेल्टा आर का मॉड डिवाइडेड बाय टाइम डेल्टा टी क्या आ गया, आर इनटू ओमेगा आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई। और साफ पता लग रहा है डेल्टा आर बाय टी को क्या लिख सकते हैं, वी मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या आएगी, आर टाइम्स ओमेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी v इस बॉडी की लीनियर या टेंजेंशियल, टेंजेंशियल बोलेंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी v इज ऑलवेज इक्वल टू r टाइम्स ओमेगा। तो अगर कोई अपना क्वेश्चन v से करता है और अगर कोई अपना क्वेश्चन ओमेगा से करता है तो दोनों के बीच में रिलेशन है v इज इक्वल टू r ओमेगा। मतलब अगर कोई 2 मीटर पर सेकेंड की जगह 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, इसका मतलब वो बहुत तेज मूव कर रहा है, इसका मतलब एंगल भी बहुत ज्यादा कवर करेगा और बहुत कम टाइम में कवर करेगा, तो ओमेगा की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। तो अगर वो बहुत स्पीड से चलता जा रहा है तो एंगल भी समझो बहुत तेजी से कवर कर रहा है, तो सर्कल भी बहुत तेज कवर करेगा तो ओमेगा भी ज्यादा होगा। तो याद रहेगा फॉर्मूला, एज वी इंक्रीजेस ओमेगा ऑल्सो इंक्रीजेस, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा याद रहेगा, और वी फॉर टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्लियर है यहां तक, तो एक रिजल्ट ये क्लियर है, ठीक। और लास्ट रिजल्ट, हमने अभी तक क्या सीखा कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां होती है, टुवर्ड्स सेंटर। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का ओरिजिन ऐसा क्यों एग्जिस्ट किया एक्सेलरेशन, क्योंकि देयर वाज चेंज इन डायरेक्शन, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, डेल्टा एंगल इज आर्क बाय रेडियस एप्लीकेबल है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, वी इज ऑलवेज इक्वल टू आर टाइम्स ओमेगा, चार। और लास्ट पॉइंट आज का, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। हमने ये तो सीख लिया कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहां एक्ट करेगी, टुवर्ड्स सेंटर, पर हमने ये नहीं सीखा कि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी। देखो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, टाइम क्या हुआ है, 7:45 है, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू टुवर्ड्स सेंटर क्यों एक्ट करती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, राइट। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे।